न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर में भाजपा के बयान के वीर विधायक विक्रम सिंह सैनी ने एक बड़ा बयान सामने लाया है। जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा के बयानवीर विधायक विक्रम सिंह सैनी ने एक और बड़ा बयान सामने लाया है, जिसमें भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी ने मीडिया के सामने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई भी कानून बनाना चाहिए, जो यहां पर मुस्लिम पीड़ित है उनको पाकिस्तान में नागरिकता देनी चाहिए, अदला बदली कर लो। पाकिस्तान में पीड़ित है जो वह हिंदुस्तान में आ जाएं, और जो हिंदुस्तान में पीड़ित है वह पाकिस्तान चले जाएं। कौन रोक रहा है? बिल्कुल 100% होना चाहिए। उन्होंने CAA के कानून को तारीफ करते हुए इसके साथ JNU मामले में भी उन्होंने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर भी निशाना विरसा था। दंगे वाली तारीख थी जो 2013 के दंगे थे, उन्हीं में से एक मुकदमे की तारीख थी। तो ये बताइए, 6 साल हो गए हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह से धीमी गति से न्याय मिल रहा है? बस तारीख लग रही है, आ रहे हैं। पहले वहाँ थे इलाहाबाद कोर्ट में, वहाँ जाते थे। अब ये तो वही कोर्ट जाने है। सरकार कभी इससे पूछा छूटेगा? फर्जी मुकदमे लगाए गए थे उस समय सपा की सरकार में। मैं अपने गांव में भी नहीं था, और आगजनी, गोली चलाना, ऐसे ऐसे मुकदमे हमारे धाराएं लगा दी थी। जल्दी निस्तारण होने की संभावना है, क्योंकि फर्जी मुकदमे हैं, पुलिस के द्वारा हैं, पब्लिक के द्वारा मेरे पास एक भी मुकदमा नहीं है, सब पुलिस के द्वारा हैं। पुलिस ने लखनऊ में बैठे आकाओं के कहने से ये मुकदमे दर्ज किए थे। विधायक जी, नागरिकता संशोधन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहा है जी, तो क्या कहना है आपका? जो प्रदर्शन, ये देश हित का कानून है, देश हित में है। और जो हमारे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो पीड़ित थे, हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, उनको नागरिकता देने का कार्यक्रम है। जिन्हों का पूछ रहे आप, ये तो ये है नागरिकता संशोधन। आप JNU का पूछ रहे हैं? JNU मतलब कुछ लोग जो देशद्रोही किस्म के लोग हैं, भारत से प्यार नहीं करते, पाकिस्तान जैसे देश के इशारे पर काम करने वाले वहाँ पर लोग हैं, ऐसे छात्रों का तो वहाँ से प्रवेश निषेध होना चाहिए। अभिनेत्री चली गई है, उसको जाना नहीं चाहिए था, बोली भी नहीं है, वैसे बोली नहीं है, जाना नहीं चाहिए था, उसका विरोध भी हो रहा है, तो जाना नहीं चाहिए था। विधायक जी, क्या मानते हैं कि उनकी फिल्म यहाँ पे मुजफ्फरनगर में चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, क्या कहना? ये तो जो देश के नागरिक हैं उनको सोचना चाहिए कि जो देश के खिलाफ मंच है उस पर जाने वालों की फिल्म देखी जाए या उसका विरोध किया जाए। देखनी नहीं मेरे ख्याल में, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखने का, मैं तो मोबाइल पर भी नहीं देखता ऐसे। NRCCA को लेके काफी विरोध भी चल रहा है, गिरफ्तारी भी चल रही है, इसमें क्या कहना आपका? जैसे विरोध हुआ था 20 तारीख NRC का, विरोध बिना मतलब कर रहे हैं, उनको जानकारी ही नहीं है। आप लोगों ने पूछा होगा बहुत सारे लोगों से, भाई क्यों आए, उनको पता ही नहीं, कह दिया वहाँ जाना है तो चले आए, पता ही नहीं। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। देश द्रोही जैसी एक काम किया लोगों ने, थाने में आग लगा दी, पुलिस के साथ मार पिटाई करी, पथराव किए, ये देश की संपत्ति है भाई, इसको नुकसान क्यों पहुंचा रहे? ऐसा करने वाले देश द्रोह से कम नहीं है। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई पुलिस कर रही है, मुकदमे हुए हैं, कार्रवाई होगी, उनसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। उन लोगों से NRC है क्या ये, आप जरा थोड़ा समझाएंगे? ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसमें जो हमारे पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, पाकिस्तान वगैरह में आए, जो आप NAA मैं पूछ रहा हूँ, नागरिकता संशोधन कानून, पहला था ये CAB, अब हो गया ये CAA, ये CAA कानून है, थोड़ा मेरे साथ गलत कहा गया पीछे, ऐसा आपने बौखला दिया, इसे डिलीट भी कर देना। हाँ, ये CAA कानून है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून। तो ये देश हित में है, जो पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, जिनके साथ बलात्कार हुए, 14 साल की लड़की हुई उठा लिया जाता है, वे ऐसे पीड़ित लोग बेचारे भाग कर आए, बहुत दिनों से रह रहे थे। आज ही मेरे पास एक अर्जुन नाम के पाकिस्तान का शरणार्थी का फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं रविवार को मेरे से मिलने आ रहे हैं पाकिस्तान के लोग। हाँ बिल्कुल दिलवाएं, क्यों नहीं दिलवाएंगे, मिलनी चाहिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस